हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। और आज हम लोग यहां पे अपने क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सिस्टमैटिक्स, यहां पर सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये चैप्टर हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं। बहुत लेट हो गया मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब टेंशन मत लो, फटाफट सारे वीडियोस रेगुलर आएंगे बायोलॉजी के और कंप्लीट क्लास 11th की जो बायोलॉजी है आप लोग को मिल जाएगी। क्लास 12th का पूरा सिलेबस तो गाइस डाल दिया है ऑलरेडी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सब कुछ डाल दिया है क्लास 12th का। तो नेक्स्ट ईयर जब तुम लोग जाओगे तो कोई टेंशन ही नहीं होगा। इस साल के बच्चे जो है उनको फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियोस तो आ ही रही है, मैथमेटिक्स भी अब रेगुलर हो गया है और यहाँ पर हमारे इसी यूट्यूब चैनल में अब बायोलॉजी भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो जैसे कि आप सब जानते हो चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड हमने कंप्लीट डिटेल के साथ धमाकेदार तरीके से पढ़ा है, करीबन 2,00,000 से ज्यादा बच्चों ने उस वीडियो को देखा है। और गाइस माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि इस चैप्टर में भी हम धमाका करेंगे, कंप्लीट फुल फ्लैश्ड हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको एकदम डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊंगा और कंप्लीट तरीके से आपको सारी चीजें यहां पे दी जाएंगी। बस आप सबका सपोर्ट बना रहे और आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में तो शेयर करोगे ही अगर अच्छा लगेगा तो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से चैप्टर को जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इस चैप्टर के अंदर बहुत सी चीजें हैं जो बहुत से बच्चों को बहुत पकाऊ लगती है, बहुत से बच्चों को बहुत हार्ड लगती है, बहुत से बच्चों को बहुत सा टेंशन आता है। टेंशन मत लो मेरे यार, ये चैप्टर चिंदी बना दूंगा, बोले तो क्या चिंदी बना दूंगा। बस इतना याद रखना कि याद है तो आबाद है और भूल गए तो बर्बाद है। क्यों? क्योंकि अगर जो बताऊंगा उसे याद रखोगे तो जो भी इस चैप्टर में दिया है सब कुछ तुम लोग डिटेल में पढ़ सकोगे, और अगर याद नहीं रखोगे तो फिर बर्बाद हो जाओगे, ठीक है, इस बात को समझ के रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इतनी सी है कि क्लास 11th इतना इंपॉर्टेंट है उसे तुम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। तो चलिए, अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर की तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी और फटाफट रेगुलर वीडियोस आएंगे, जल्दी जल्दी देखना शुरू करो। रोज 1 घंटे बायोलॉजी देखो, सब कवर हो जाएगा जल्दी जल्दी, फटाफट पूरा क्लास 11 कंप्लीट कर दूंगा। तो साइंस सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, माय नेम इज प्रशांत। चलिए शुरुआत करते हैं। ये छोटू सा प्यारा सा नन्हा सा देखो कोरोना वायरस रखा मैंने यहाँ पे क्योंकि ये सिस्टमैटिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एक चैप्टर है। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा हम प्लांट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, वायरस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, तो मैंने सोचा चलो यार इस चैप्टर के अंदर हम लोग थोड़ा वायरस बैक्टीरिया डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है, आप लोग इसे ध्यान से देख लो। और बाकी तो आप सब जानते ही हो कि हमारे प्यारे YouTube चैनल का नाम न्यू इंडियन एरा है। अगर आप सब चाहो तो मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो इन Instagram, ठीक है, तो मेरी आईडी है prashant_t9, ठीक है। चलो अब शुरुआत करते हैं। तो देखो गाइस, इंट्रोडक्शन मैंने कंप्लीट नोट्स आपकी बना रखी है, मैं आप सबको थोड़ा सा चैप्टर दिखाना चाहूंगा एग्जैक्टली चैप्टर कहां पे। ये देखो, ये हमारा चैप्टर है, यहां पे आप ध्यान से देख सकते हो, ये हमारा सेकंड चैप्टर है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी चैप्टर को आज हमें यहां पे डिटेल में पढ़ना है। गाइस मैं आप सबको बता दूं कि वीडियो देखने के बाद एक बार टेक्स्ट बुक की रीडिंग बहुत जरूरी है। अगर आप रीडिंग नहीं करते हो तो आपको कभी बायोलॉजी नहीं समझेगा, ये मेरे से लिख करके ले लो। और जो नोट्स मैंने दिया है उनको भी आपको पढ़ना है, तो एक बार मेरी नोट्स, एक बार टेक्स्ट बुक की रीडिंग हो जाएगी और एक बार आप खुद से जब मैं बोलूंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा, कुछ नए चीजें बताऊंगा तो उसको नोट डाउन करते जाना है। फिर देखो 3 बार आपका टोटल पढ़ के हो जाएगा और 3 बार में क्या भाई, किसको भी बायोलॉजी आ जाएगी, बहुत आसान चीज है, किसी को भी बायोलॉजी आ जाएगी बहुत आसान तरीके से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर जरा ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पहले हम शुरुआत करेंगे कि भाई एग्जैक्टली अगर लिखा हुआ है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो सिस्टमैटिक्स क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली क्या चीज है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन है, एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो एग्जैक्टली अगर बोला जाए कि एक ऐसा चीज, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसी लाइफ जो लाइफ के प्रोसेसेस को परफॉर्म करता हो उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आप बोलोगे लाइफ का प्रोसेसेस क्या होता है, तो जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, अब वो करके नहीं दिखा सकता, रिप्रोडक्शन वो भी करके नहीं दिखा सकता, ठीक है सेल डिवीजन, हम लोग छोटे से बड़े हो जाते हैं सेल डिवीजन, देन आफ्टर दैट बहुत से ऐसे लाइफ के प्रोसेसेस हैं यार, ग्रोथ है, बहुत सी चीजें हैं, कितने सारे सेल के डिवीजन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, फिर उसके बाद सेल डिवीजन, बहुत से ऐसे लाइफ के प्रोसेस हैं। और जो बॉडी
लाइफ का प्रोसेस परफॉर्म करती है, जो ऑब्जेक्ट इन लाइफ के प्रोसेस को परफॉर्म करता है उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कोई भी हो, इस बात को समझ के रखना। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है। अभी तक आपको यही नहीं पता रहा होगा तो आप जान लो। और ये लाइफ के प्रोसेस परफॉर्म कौन करता है हमारी बॉडी के अंदर? तो हमारी बॉडी के अंदर ये सारे लाइफ के प्रोसेसेस को हमारे सेल परफॉर्म करते हैं। इस बात को ध्यान देना। हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है। तो सेल, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है, ये इन सारे लाइफ के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। और ये सेल से क्या बनता है? टिश्यू लेयर। और ये जो टिश्यू है, इसी टिश्यू से हमारे बॉडी में ऑर्गन बनता है। समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही बातें? तो इससे हमारे बॉडी का ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी बनी हुई है। तो इस बात को आपको एग्जैक्टली गाइस समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जान के रखो अच्छे से। ठीक, अब हम जानेंगे यार कि सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इस वर्ड का मीनिंग एग्जैक्टली क्या है। आप सबको पता है कि दुनिया में हजारों वराइटीज ऑफ प्लांट हैं, हजारों तरह के ह्यूमन बींग्स, ऐसा नहीं है सिर्फ दो तरीके के ह्यूमन बींग होते हैं, एक मेल एक फीमेल, हजारों तरह के एनिमल होते हैं, जैसे शेर हो गए, फिर हिरण है, कितने सारे यार, कितना गिनाओ, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी कितने सारे एनिमल होते हैं। तो एनिमल्स की बहुत ज्यादा वैरायटी है। ऐसे ह्यूमन बींग्स में हम दो वैरायटीज हैं, मेल एंड फीमेल। ऐसे प्लांट्स में बहुत सारी वैरायटीज है। तो यानी कि इतने सारे डाइवर्सिटी है पूरे दुनिया में, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, मतलब एनिमल्स की यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो अब हम इनको पढ़ेंगे कैसे? बिकॉज वी आर बायोलॉजी स्टूडेंट एंड वी मस्ट हैव टू स्टडी अबाउट दीज ऑल ऑर्गेनिजम्स, दीज ऑल प्लांट्स एंड एवरीथिंग। हमें इन सब के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम कैसे पढ़ेंगे? हम इतने सारे एनिमल का नाम याद रखेंगे क्या? कि हाथी, कुत्ता, बिल्ली, फिर ब्राउन वाला हाथी आता है, फिर काला हाथी आता है, काला भी हाथी आता है क्या? हाँ आता रहेगा कुत्ता, काला कुत्ता, बकरा कुत्ता, अरे भाई कितने कलर वाले कुत्ते होते हैं, छोटा कुत्ता, बड़ा कुत्ता, उससे भी बड़ा वाला कुत्ता बिल्ली, छोटी बड़ी बिल्ली, कितने सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना? मैं जो कह रहा हूं तुम समझ रहे हो, बहुत सी वैरायटी है, बहुत सी डाइवर्सिटी है इस दुनिया में। अब इतने सारे डाइवर्सिटी वाले ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हम कैसे करेंगे? तो यस माय डियर, इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए दुनिया में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनाई गई है, जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स, सिस्टम, वो बोलते ना सिस्टम खराब है अपने इंडिया का सिस्टम ठीक कर दो सब सही हो जाएगा। व्हाट इज दैट द मीनिंग ऑफ सिस्टम? वो सिस्टम का मतलब क्या है? मतलब प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट, प्रॉपर तरीके से क्लासिफिकेशन, प्रॉपर तरीके से उसको एकदम एडमिनिस्ट्रेट करना, समझना उसे। तो यही चीज है, एक वर्ड है सिस्टमैटिक्स, विच इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। आज के वक्त में सिस्टमैटिक्स बायोलॉजी का ब्रांच बन चुका है, इस बात को ध्यान देना। और सिस्टमैटिक्स के अंदर हम सब कुछ स्टडी करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी के अंदर आता है, ये प्लांट इस कैटेगरी के अंदर आता है, ये वायरस इस कैटेगरी के अंदर आता है, ये बैक्टीरिया इस कैटेगरी के अंदर आता है, ये पांच किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये क्लासेस है, ये डिवीजन है, ये फाइलम है। आप सभी लोगों ने साइंस 2 चैप्टर नंबर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा है, किंगडम एनिमेलिया, देन सब किंगडम कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट, इनसाइड दिस सब किंगडम नॉन कॉर्डेट देयर आर 10 फाइलम्स, पॉरीफेरा, फिर उसके बाद बहुत से यार, एस्केलमिंथस, मॉलिस्का, आर्थ्रोपोडा, ऐसे कितने सारे तुमने पढ़े हैं, एंड वन फाइलम वर्टिब्रेटा, फाइलम कॉर्डेटा, उसके अंदर तीन डिवीजन, सेफलोकॉर्डेटा एंड मेनी मोर, आपने पढ़ा है क्लासेस 6 टाइप की, रेप्टेलिया, एब्स, ये सब क्लासेस होती हैं, मैमेलिया वगैरह वगैरह। तो इन सबको आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन क्लास 10th साइंस 2 में पढ़ रखा है। तो बस कुछ वैसा ही, वो जो आपने पढ़ा है ना वहां पे साइंस 2 क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 में पेज नंबर 63 में जाके देखना, एक चार्ट बना हुआ है, वो जो चार्ट में आपने जो भी पढ़ा है ना, वही एग्जैक्टली सिस्टमैटिक्स है, वही क्लासिफिकेशन है, इस बात को ध्यान देना। और उसमें देखो कितना प्यार से हमने पढ़ा था, क्लास मैमेलिया थी, मैमेलिया के अंदर वो आते हैं जो मैमल्स होते हैं, जो मिल्क अपने बच्चों को फीड करते हैं, फिर वो किसके डिवीजन में आ रहा था, वो हमारा डिवीजन वर्टिब्रेटा में आ रहा था, फिर वर्टिब्रेटा किसके अंदर आ था, फाइलम कॉर्डेटा में, फिर फाइलम कॉर्डेटा किस में आ रहा था, सब किंगडम कॉर्डेट में, और सब किंगडम कॉर्डेट किस में आ रहा था, किंगडम एनिमेलिया में। तो हमने पढ़ा था ना। अब जो होशियार बच्चा होगा, जो मैंने अभी कहा, इस चीज को देखने के लिए तुरंत साइंस 2 क्लास 10th का पेज नंबर 63 ओपन करेगा, पीडीएफ के फॉर्मेट में भी हाथ में मोबाइल होगा तो ओपन कर लोगे और पढ़ोगे।
तो यही चीजें होती है जो मैं कह रहा हूं, उसे समझते जाओगे ना बहुत फायदे में रहोगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इस बात को एकदम समझ के रखना अच्छे से, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं ये बहुत जरूरी है आप सभी लोगों के लिए। क्लियर हो गई बातें, मैं क्या कह रहा हूं, इन बातों को एकदम अपने दिमाग में बिठा लो। अब चलिए गाइज हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन मुद्दे वाले चैप्टर पे आते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक्स। और बुल्लू गुल्लू कैसे हो बुल्लू गुल्लू, इसको थोड़ा अच्छा बना देता हूं मैं, ये हो गया मेरा गुल्लू गुल्लू, इसकी दाढ़ी मुछ मिला देता हूं बुल्लू गुल्लू। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पार्ट में आते हैं। देखो वही चीज लिखी हुई है, इन अर्थ, अपनी टेक्स्ट बुक बगल में रखना, ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा। इन अर्थ, पूरी हैंड रिटन नोट्स बनाया, धमाकेदार एकदम, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इन अर्थ ह्यूज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज प्रेजेंट, इतनी सारी वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, बड़े बड़े एनिमल, भैंसे, कुत्ता, बिल्ली, हिरण, शेर, सब आते हैं यार, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, तो सभी के सभी आते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ह्यूज वराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है इस अर्थ के अंदर। और अब जरा यहां पे समझना अच्छे से, तो इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो बहुत सारी वराइटीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, अलग अलग वराइटीज हैं एनिमल की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो इनकी कॉन्सेप्ट को स्टडी करना पड़ेगा। तो फॉर स्टडिंग दिस कॉन्सेप्ट लाइक सिस्टमैटिक्स, क्लासिफिकेशन, इन्हीं चीज, ये चीजें इवॉल्व हुई। जैसे कि देखो अभी, अब इतने सारे एनिमल को पढ़ना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो इतने सारे एनिमल को पढ़ना इतना इजी है क्या, इतना आसान है क्या, नहीं। तो इतना सारे एनिमल की अगर स्टडी करनी है तो कुछ तो एक सिस्टम होना चाहिए ना, तो उसी लिए गाइस दो सिस्टम है, एक सिस्टमैटिक और क्लासिफिकेशन, ये दो कॉन्सेप्ट दुनिया में हमारे अराइव हुए। ये कॉन्सेप्ट ही हमें बताते हैं कि हम इन एनिमल की कैसे स्टडी कर सकते हैं। अच्छा अगर आप बताओ, अगर दुनिया में किंगडम नहीं बनाए जाते, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम हमारा फंगा है, देन किंगडम मोनेरा, देन किंगडम प्रोटेस्टा, पांच किंगडम होते हैं, आप भी जानते हो, आठवीं क्लास में आपने पढ़ा है। अगर ये किंगडम बताओ नहीं होते, तो फिर हम सारे एनिमल को एक साथ पढ़ते ना, पानी वाला एक्वेटिक एनिमल, फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल, फिर हवा में जो उड़ते हैं वो एनिमल, इन सबको हम एक साथ पढ़ाई करते, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कितना जंबल हो जाता, हम बराबर पढ़ पाते क्या, नहीं पढ़ पाते। तो इसीलिए गाइस सिस्टमैटिक्स लाया गया है, सिस्टमैटिक एक कॉन्सेप्ट का नाम है, एक कॉन्सेप्ट है ये दुनिया में लाया गया, और इसी के हेल्प से हम पूरे एनिमल की स्टडी प्रॉपर वे में करते हैं, चाहे वो छोटा फा छोटा वायरस हो और चाहे वो बड़ा हाथी भैंसे जैसा कोई एनिमल हो, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो चलिए दुनिया में ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुए सिस्टमैटिक्स एंड क्लासिफिकेशन। अब चलिए हम जान लेते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक्स। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो सिस्टमैटिक्स क्या है, हम सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। तो एग्जैक्टली गाइस जो बात की जाए वो सिस्टमैटिक्स की अगर बात की जाए, तो सिस्टमैटिक्स जो है हमारा ये क्या होता है, इट इज स्टडी ऑफ काइंड। काइंड मतलब कुछ भी, ये फिलहाल ये मरी हुई चीज है, मैं काइंड हूं, ठीक है। काइंड मीन्स कोई भी थिंग जो लिविंग हो, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु। तो इट इज स्टडी ऑफ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसका मीनिंग क्या है, सिस्टमैटिक एक ऐसी चीज है जो किसी भी काइंड यानी किसी भी चीज की स्टडी करना, या बहुत से अलग अलग वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ, जिंदगी कैसे चलती है और किस तरीके से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे से बड़े हुए। मतलब पहले हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, आपने टेंथ में किसी भी टीचर से अगर पढ़ा होगा तो मैंने देखा बहुत सी चीजें आपको पता वहां मिलती रही होंगी, कोई मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत से स्कूल के टीचर 3D एनिमेशन में पढ़ाते हैं, बहुत से लोग ऐसा पढ़ाते वैसा पढ़ाते हैं, इन सबसे कोई मतलब नहीं होता, आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बस दैट्स इट। आपके पास ज्ञान होगा ना तो आप सब समझ सकते हो, बाकी मूवी तो कोई भी चला देगा, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, आपने साइंस 2 क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में पढ़ा है, किस तरीके से हम सारे यूनिसेलुलर सेल के फॉर्मेट में थे, जो एक्वेटिक थे और पानी के अंदर हम रहते थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देन दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपने आप को इवॉल्व किया, और इवॉल्व करके, इवोल्यूशन करके बड़ा हुआ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम बन गए। पहले हम एक सिंगल सेल वाले थे, यूनिसेलुलर, यूनी मतलब सिंगल, और अब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन गए। तो हमारा इवोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, तो इस इवोल्यूशन की स्टडी करना भी हमारा सिस्टमैटिक्स कहलाता है।
दैट्स इट, समझ गया अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं। तो सिस्टमैटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ एनी काइंड, इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कंपैरेटिव इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और या फिर डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, किस तरीके के अलग अलग वैरायटी वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब जैसे कि अगर मैं भालू की बात करूं, जो बियर होता है, बियर बोलते हैं, डियर बोलते हैं, जो भी रहेगा, ठीक है, तो अब जरा समझ के लो अच्छे से। तो जो रहता है वो है, पांडा की बात कर रहा हूं मैं, तो जो पांडा अपना हिमालयन पांडा होता है व्हाइट इन कलर होता है, वही अगर नॉर्मल कंडीशन में देखोगे तो ब्लैक एंड ब्राउन कलर का होता है। तो दिस इज द डाइवर्सिटी ना, तुमने चैप्टर नंबर 4 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में पढ़ा भी है, डाइवर्सिटी साइंस 2 क्लास 10th में, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, नहीं पढ़े हो तो मैं जिंदा हूं, मैं पूरा 10th का बेसिक यहां बताते चलूंगा, टेंशन घेऊ नका कोणी पण, मी तुमच्या पाठीशी आहे आणि मला पण मराठी बोलायला येते, मी खूप चांगली मराठी बोलू शकता, मला 89 भेटला होता मराठी मध्ये 10th स्टँडर्ड मध्ये, मला खूप चांगली मराठी बोलायला येते, तुम्हाला सगळ्यांना मी खूप चांगली चांगली शिकवणार, ओके, तुम्हाला समजला असते। चला आता इकडे बघून घ्या, ओके, यहां देखो, तो सिस्टमैटिक्स आपको प्रॉपर तरीके से समझ गया है कि एग्जैक्टली ये क्या चीज है। अब बात करते हैं यार सिस्टमैटिक्स के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सिस्टमैटिक्स के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो कौन सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जानते हैं। सिस्टमैटिक्स के अंदर एक क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग सर्टेन रूल्स और अ प्रिंसिपल। अब देखो यार, जिंदगी में अगर कुछ बनाना है, अगर तुम आईएएस ऑफिसर बन गए और तुमको कहा गया कि बेटा ये तेरे सामने स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट है, इसको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करना है, तो तुम कैसे उसे डिवाइड करोगे? मतलब तुम ऐसा तो बिल्कुल नहीं करोगे कि जो अमीर अमीर जगह है, जमीन है, लैंड है, उसको एक डिस्ट्रिक्ट बना दोगे, गरीब गरीब लैंड को एक बना दोगे, ऐसा करोगे क्या? ऐसे में तो गरीब वाला लैंड गरीब वाला रह जाएगा, डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा, अमीर वाला लैंड अमीर वाला बन जाएगा, ये तो गलत बात है ना। तुम ऐसा कुछ डिविजन करोगे कि हर एक लैंड में, हर एक जिले में अमीर वाले भी हो, गरीब वाले भी हो, अमीर वाले भी हो, गरीब वाले भी हो, जिसके कि जिससे कि हर जिले में अमीरी और गरीबी दोनों बैलेंस रहे, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, और अमीर लोग कमाएंगे तो गरीब लोगों को जॉब मिलेगी, ऐसा कुछ सिस्टम तुम करोगे ना। आईएएस ऑफिसर यही करेगा, ऐसा तो नहीं कि एक को गरीब छोड़ दो एक को अमीर छोड़ दो, नागपुर तरफ गरीबी बना दो और मुंबई तरफ अमीरी बना दो, ऐसा थोड़ी चलेगा भाई, ऐसे में तो तुम लूटवा दोगे पूरे देश को, ऐसे में आईएएस मत बनना, ठीक है, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। तो आप ही बताओ, ये सिस्टम हो गया ना, यू आर डूइंग सिस्टमैटिक्स ना, यू आर डूइंग एडमिनिस्ट्रेशन, यू आर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में तुम हो इस वक्त, तो तुम इसे मैनेज कर रहे हो। एग्जैक्टली, बातों को समझो ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। तो अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाना खुद का, जो सिस्टमैटिक्स है इसके अंदर कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशन होते होंगे, क्या ऐसे ही कोई भी आया अंधाधुंधी मुंह उठा के चलो आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन लिखूंगा, मैं संविधान का निर्माण करूंगा, ऐसे कोई भी मुंह उठा के आएगा क्या? नहीं, हर एक चीज को बनाने का, एक सिस्टम को क्रिएट करने का एक रूल एंड रेगुलेशन होता है। इन द बायोलॉजी दैट रूल एंड रेगुलेशन इज नथिंग बट टैक्सोनॉमी। समझा क्या बोल रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सोनॉमी? तो यह टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो टैक्सोनॉमी टैक्सिस, द वर्ड टैक्सिस, टैक्सी मतलब टैक्सी नहीं बोल रहा हूं, हुर्रे नहीं, टैक्सिस, टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, एंड नॉमस मींस लॉ और अ रूल। समझ गया अच्छे से क्या बोल रहा हूं, द टैक्सोनॉमी मींस द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर सिस्टमैटिक्स। समझ गया अच्छे से क्या कह रहा हूं मैं, इस बात को ध्यान से समझ के रखना अच्छे से दिमाग में। तो आई होप आपको टैक्सोनॉमी का मतलब भी समझ गया, एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछता है कि डिफाइन सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आपको एक बात बताता हूं यार, मैं आज 5 सालों से पढ़ा रहा हूं, मेरी शक्ल पे मत जाना, मैं छोटा दिख रहा हूंगा तुम लोग को, मेरे को लोग जज कर लेते हैं, बट मैं क्या करूं, मेरे हाथ में सब कुछ थोड़ी है, बायोलॉजी है, जीन्स के बारे में तुम जानते रहोगे, ठीक है, बट मेरे को सब पता है कैसे क्या क्या है। साइंस 2 के क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 62 जाके देखो फटाफट, पेज नंबर 62 में सबसे टॉप में येलो कलर में एक डेफिनेशन लिखी होगी, क्लास 10th में क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन लिखी होगी। क्या लिखा है वहां पे जानते हो? वहां पे ये लिखा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स कि द डिवीजन ऑफ अ एनिमल और द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल और डिफरेंशिएटिंग द एनिमल विद सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, या फिर ऐसा लिखा होगा फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स on the basis of their similarities and dissimilarities of the animals is nothing but animal classification।
ऐसा एक वर्ड वहां पे लिखा होगा, जस्ट गो एंड चेक इट। ठीक है, तो एनिमल क्लासिफिकेशन जाके एक बार देख लो, पेज नंबर 62, साइंस 2 क्लास 10th। ओके, जाओ फटाफट देख लेना। तो क्लासिफिकेशन यहां पर भी सेम चीज है, क्लासिफिकेशन मतलब किसी को क्लासिफाई करना। अगर मैंने आपको कह दिया कि आप अपने स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, कॉलेज के अंदर सारे स्टूडेंट लोग को क्लासिफाई करो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी शेप एंड देयर बॉडी कलर, तो आप क्या करोगे? बोलोगे यस, हेलो एवरीवन, स्टैंड अप, जितने काले लोग हो एक साइड हो जाओ, जितने गोरे लोग हो एक साइड हो जाओ, जितने भैंसे जैसे लोग हो एक तरफ हो जाओ, जितने पतले मतलब पतले सुट्टे कांडी हो एक तरफ हो जाओ। यही करोगे ना? तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट क्लासिफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स और सिमिलैरिटी। यू आर जस्ट फॉर्मिंग द ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। जो गोरे हैं उनको कालों के साथ तो नहीं मिला सकते, जो मोटे हैं उनको पतलों के साथ तो नहीं मिला सकते ना। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट फॉर्मिंग द ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द क्लासिफिकेशन। यही चीज यहां लिखी हुई है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और अ ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरी। ये काले की कैटेगरी, गोरे की कैटेगरी, और ये मोटे की कैटेगरी, ये पतले की कैटेगरी, ये बहुत पढ़ने वाले की कैटेगरी, ये टपोरी लोग की कैटेगरी, ये बैक बेंचर। गाइस मैं बैक बेंचर वाला हूँ, आई एम फ्रॉम बैक बेंच, रियली आई एम बैक बेंचर, बिलीव ऑन मी, सच्ची कह रहा हूँ, झूठ नहीं कहता मैं, थोड़ा भी झूठ नहीं कहता। 10th स्टैंडर्ड में मैंने अपने स्कूल में टॉप किया था, आई गॉट 91% इन 10th स्टैंडर्ड एंड इन 12th आई गॉट 93%, बट स्टिल आई एम बैक बेंचर। मैं बहुत मस्तीखोर बंदा हूँ, मेरे शक्ल से तुम लोग को दिखता रहेगा, बट मैं भले मैं टॉपर हूँ बट मैं पढ़ाई से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैंने कभी जिंदगी में पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मुझे पता है कि ये मेरी जिंदगी है, मेरी और कोई जिंदगी नहीं है, मैं आज भी अकेला सच्ची कह रहा हूँ, बट यस मैं पढ़ाई से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, आई एम अ बैक बेंचर, आई एम अ टॉपर, दैट्स इट। ठीक है, तो ये बात समझ लेना। तो इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और अ ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन डिस्टिंक्ट कैटेगरी इन अकॉर्डेंस विद द पर्टिकुलर एंड वेल एस्टैब्लिश्ड प्लान। समझा? मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एक प्रॉपर पर्टिकुलर सिस्टम के साथ हमने पूरे चीजों को क्लासिफाई किया, उनके ग्रुप्स को क्लासिफाई किया, एक सिस्टम बनाया। दिस इज दिस फॉर्मेशन ऑफ सिस्टम और अ ग्रुप इज नथिंग बट क्लासिफिकेशन। आप लोग एक बार डेफिनेशन पढ़ोगे आपको खुद ही याद हो जाएगा, एक मार्क्स को आता है डेफिनेशन एग्जाम में। अब किस बेसिस पे तुम क्लासिफाई करोगे, किस बेसिस पे तुम सारे एनिमल्स को क्लासिफाई करोगे, जरा ये बताओ। तुम क्लासिफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया फंडा? चलो अब गाइज हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये पढ़ने से पहले मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक में वो चीज दिखा दूं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहां जरा ध्यान से देख लो बच्चों, हमने सिस्टमैटिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड देयर कॉम्परेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशन। ठीक, चलो टैक्सोनॉमी क्या है? इट इज अ मींस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलोइंग सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल। क्लासिफिकेशन क्या होता है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और अ ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक एक चीज नोट्स बना के दिया है, तुम्हारी बुक में सब लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स इसका पहला है आर्टिफिशियल टाइप, देन उसके बाद इसमें है नेचुरल टाइप, देन उसके बाद फाइलोजेनेटिक। इन सारे रूल्स को हम डिटेल में अभी जानेंगे। ठीक है, चलो क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो दुनिया में यार किसी चीज को, अगर सारे एनिमल है दुनिया में, सभी एनिमल को अगर क्लासिफाई करना है तो उनको क्लासिफाई करने का एक रूल्स एंड रेगुलेशन भी तो होता होगा ना। ठीक है, तो चलो वही हम लोग यहाँ पे टाइप्स कितने हैं क्लासिफिकेशन के और किस मेथड में, कौन से मेथड का इस्तेमाल करके, किस चीज का यूज करके, कौन से टेक्निक का इस्तेमाल करके, कौन से रूल का इस्तेमाल करके हम इसे क्लासिफाई करेंगे, सारे एनिमल को हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, यही चीज हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, समझ गई बातें मैं क्या कह रहा हूं? यस माय डियर। तो चलो फिर हम सारे मेथड्स को फटाफट समझ लेते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक, ये तीन टाइप है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही जा रहा हूं, एक भी इधर उधर बातें नहीं हो रही। अब हम देखेंगे आर्टिफिशियल मेथड एग्जैक्टली क्या चीज है, एग्जैक्टली जो हमारा आर्टिफिशियल मेथड है ये एग्जैक्टली क्या चीज है। अच्छा गाइस मैं ये कड़ा बीड़ा पहन के रखा हूं, आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैं वैसे ये भी पहन के रखा है, अपन भाई लोग है, भाई लोग की तरह रहने का, सॉरी बट मैं आई एम फ्रॉम मुंबई एंड द कल्चर ऑफ मुंबई यू नो।
ठीक है, सो सॉरी फॉर दिस एग्जैक्टली, बट आई एम नॉट बैड, ठीक है, टपोरी मत समझ लेना, आई एम अ बैक बेंचर, बट ठीक है, यहाँ ध्यान दो अभी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, चलो यहाँ दे दो। तो टाइप्स ऑफ एग्जैक्टली जो क्लासिफिकेशन है, तो आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। अब आर्टिफिशियल मेथड के अंदर मतलब वही कौन सा ऐसा ये मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड टू क्लासिफाई द एनिमल, एनिमल को क्लासिफाई करने का ये कौन सा आर्टिफिशियल मेथड है, व्हाट इज दिस वन, ये एग्जैक्टली क्या है, आर्टिफिशियल मेथड में हम किस तरीके से एनिमल को क्लासिफाई करते हैं, तो जरा ध्यान देना अच्छे से गाइस। बहुत से मेथड होते हैं, कुछ आपको पता है सिस्टमेटिक एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसको आप फ्यूचर में भी पढ़ोगे, जिसके बारे में अभी तो ठीक है, आप फ्यूचर में भी इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ोगे डिटेल में, डिग्री 12th में भी, ठीक है। तो ध्यान देना ऐसे बहुत से मेथड है, कुछ मेथड के सिर्फ नाम दिया हुआ है, उसका कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि लिनॉस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पहला मेथड, दूसरा मेथड है बेंथम एंड हुक से सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बायोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, साइंटिस्ट लोग, इन लोग का मेथड है, मतलब जैसे मैं प्रशांत हूं तो मैं बोलूं मेरा पढ़ने का मेथड ये है, अभी कल को राहुल रहेगा बोलेगा मेरा पढ़ने का मेथड ये है, कल को प्रिया रहेगी वो बोलेगी मेरे पढ़ने का मेथड ये है, तो राहुल प्रिया का अलग अलग मेथड है मेरा अलग मेथड है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से दुनिया में मेथड है, जैसे कि देखो यहां पे अभी कौन है, ये इग्लर एंड प्रेंटलेस मेथड है। तो ऐसे बहुत से डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हमारे पढ़ाई करने के, मतलब क्लासिफाई करने के, सिस्टम को क्लासिफाई करने के। तो पहला है आर्टिफिशियल के अंदर, ये जो आर्टिफिशियल मेथड है ना, इस मेथड के अंदर हम लोग लिनॉस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। एक कार्ल लिनॉस करके बायोलॉजिस्ट यानी साइंटिस्ट हुआ करते थे, जिन्होंने एक सिस्टम दिया था एनिमल को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को या प्लांट को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का, वो फ्यूचर में जानोगे, ठीक है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से क्लासिफाई करते थे, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इजी ऑब्जर्वेबल एंड नॉन इवोल्यूशनरी फीचर्स लाइक हैबिट, कलर, फॉर्म। अब यहां नॉन इवोल्यूशनरी का मतलब क्या है, तुम्हारे पापा मान लो गोरे हैं, तुम्हारे पापा मान लो काले हैं लेकिन तुम्हारी मम्मी बहुत गोरी हैं, तुम भी गोरे हो गए, तो ये क्या है, तुम्हारे पापा तो काले थे ना, तुमको भी काले होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पापा दिल वाले हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मी बहुत गोरी हैं बट तुम्हें झाड़ू से बहुत मारती हैं तो तुमने मम्मी का गोरा वाला कैरेक्टर ले लिया और पापा का दिल वाला कैरेक्टर ले लिया, अब तुम गोरे दिल वाले बन गए समझा। सो दिस इज द इवोल्यूशनरी प्रोसेस, समझा, ये इवोल्यूशनरी कैरेक्टर है तुम्हारा। बट नॉन इवोल्यूशनरी कैरेक्टर कौन सा है, अब तुम तो दिल वाले गोरे इंसान बन गए, तुम्हारा नाम राहुल है, तुम गए स्कूल में कॉलेज में, वहां मिल गई प्रिया अब तुम वहां पे हैबिट बना लिए उसके साथ रहने की, उसकी आदत पड़ गई तुम्हें, तो दिस इज द नॉन इवोल्यूशनरी प्रोसेस, दिस इज द नॉन इवोल्यूशनरी फंडा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया रहेगा अंडा, ठीक, चलो तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर नॉन इवोल्यूशनरी फीचर लाइक हैबिट, कलर ऑफ द बॉडी, फॉर्म ऑफ द बॉडी, कैसा हमारा शेप है, अभी जिम विम जाएंगे तो भाई फुल बॉडी बॉडी बन जाएगी, समझ रहा है, तो ये सारी चीजें एग्जैक्टली होती हैं। तो आर्टिफिशियल मेथड के अंदर नॉन इवोल्यूशनरी फीचर एंड हैबिट्स, कलर्स, फॉर्म्स, ये सारी चीजें एग्जैक्टली यहां पे हम लोग देखते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें एग्जैक्टली समझ में आ गई होंगी कि आर्टिफिशियल मेथड में हम किस बेसिस पे एनिमल को क्लासिफाई करते हैं। अब अगर जैसे शेर है, लायन है, इन सारे एनिमल्स को उनके कलर, उनके कैरेक्टर, उनके फॉर्म के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर देते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल मेथड। अब नेचुरल मेथड के जो है इस, ये किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाने लगा, तो ये बेंथम एंड हुक्स दो साइंटिस्ट थे, दो बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने भी एक सिस्टम दिया था, वो तुम फ्यूचर में जानोगे इनका सिस्टम क्या था, अभी के लिए सिर्फ नाम याद कर लो। तो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंट एंड देन बीइंग सिलेक्टेड फॉर कन्वीनियंस लाइक आर्टिफिशियल सिस्टम। अब यहां पर जरा ध्यान देना अच्छे से, जो भी आर्टिफिशियल सिस्टम है, जैसे कि हमने नॉन इवोल्यूशनरी फीचर्स को ध्यान दिया था, किसी एनिमल को अगर क्लासिफाई करना है तो जैसे कि जिराफ लंबे नेक वाला होता है तो हम उसको एक तरफ रखेंगे, एक छोटी नेक वाला रहेगा तो उसको अलग रखेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशन, नॉन इवोल्यूशनरी फीचर्स, हैबिट्स, कलर्स, आदतें जो होती हैं एनिमल्स की, उस बेसिस पे हम उसे क्लासिफाई करेंगे। बट नेचुरल फीचर्स के अंदर क्या आता है, नेचुरल फीचर्स के अंदर ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंट, मतलब उसके अंदर की प्रॉपर इंपॉर्टेंट चीजें कैसी हैं, वो खुद पर्टिकुलर एनिमल कैसा है,
वो खुद उसके अंदर किस तरीके से कौन से कन्वीनियंट सिस्टम को वो इस्तेमाल करता है, किसके बिना वो जिंदा रह सकता है, किसके बिना नहीं रह सकता है, उस नेचुरल चीज को हम फोकस करते हैं एंड देन हम एनिमल को क्लासिफाई कर देते हैं। मतलब हम देखते हैं कि दुनिया में करोड़ों एनिमल है, तो हाँ भाई ये वाला ये हैबिट का है तो इन सारे हैबिट वालों को एक तरफ रख दो, ये कलर का है तो इसको एक तरफ रख दो। इस तरीके से भी हम क्लासिफाई पहले करते थे। अब देखो हम फाइलोजेनेटिक की बात करते हैं। अब फाइलोजेनेटिक क्या होता है? फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशन। मतलब कि अगर हम छोटे बच्चे थे तो छोटे से हम जब बड़े हुए तो हमारा इवोल्यूशन हुआ। वी आर द ह्यूमन बीइंग, हम शुरुआत में लैमूर थे, चैप्टर नंबर 1 साइंस 2 क्लास 10th हमने पढ़ा है ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर कि हम सबसे पहले लैमूर थे, देन लैमूर से हम रामापिथिकस, देन ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, देन हम लोग नियंदरथल मैन, देन हम क्रोमैग्नन मैन, एंड देन वी आर द वॉइस मैन, वॉइस पर्सन। वाइस मीन्स WISE, वाइस मीन्स इंटेलिजेंट। तो दिस इज द इंटेलिजेंट पर्सन। आई एम अ बैड बॉय, सॉरी आई एम अ बैक बेंचर, आई एम अ टॉपर। तो उसी तरीके से तुम भी, यू आर अ बैक बेंचर प्लस यू आर नॉट अ टॉपर। ठीक है, यू मे बी टॉपर इफ यू विल स्टडी। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है कि कैसे एग्जैक्टली चीजें होती हैं। तो ये एग्जैक्टली जो चीजें सिस्टम है तुम यहाँ पे देख रहे हो, तो ये सारी चीजें आज हम इंसान, तुम कंप्यूटर लेके बैठे हो, तुम मोबाइल फोन अपने हाथ में लेके बैठे हो, तो ये जो सारी चीजें है ना, ये सब इवोल्यूशन का कमाल है। तो फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है कि कभी भी एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम ह्यूमन बींग या कोई भी एनिमल हो उसके रिवोल्यूशन, उसके इवोल्यूशन की बात करते हैं, वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। अब जैसे कि हम ह्यूमन बींग लैमूर, पहले लैमूर थे, चार पैरों पे चलते थे, आज हम दो पैरों पे चलते हैं और हम दिमाग वाले बंदे बन गए, हमारे को माइंड बहुत है, पूरे अर्थ में सबसे अधिक माइंडेड पर्सन इंसान है। ठीक है, तो आज हमारा इवोल्यूशन हुआ। कल को हाथी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, एलिफेंट का, लायन का, फिर डियर का, किस तरीके से इनका इवोल्यूशन हुआ, ये सारी चीजें एग्जैक्टली हम लोग यहां पे जानते हैं और इस तरीके से हम सारी चीजों को क्लासिफाई करते हैं। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो एग्जैक्टली फाइलोजेनेटिक के अंदर जो है एग्जैक्टली हम इवोल्यूशन की बात करते हैं। इसके अंदर ईगलैंड एंड प्रेंटलेस नाम के सिस्टम का, जो एक दो यहाँ पे साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट थे, इन लोग के सिस्टम का हम इस्तेमाल करते हैं। क्लासिफिकेशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी डिसेंट। पहले ही बोला था ना, इवोल्यूशन के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी डिसेंट, किस तरीके से लोगों का इवोल्यूशन हुआ है। जैसे कि अगर मान लो हम इंसानों का इवोल्यूशन एक तरह हुआ है, तो चाहे वो अमेरिका का इंसान रहे या फिर इंग्लैंड करे, चाहे हमारे इंडिया करे, वो ह्यूमन बीइंग ही कहलाएगा। हम उसको होमो सेपियंस नाम की कैटेगरी में ही रखेंगे। आपको पता है ना, हमारा साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस है, होमो सेपियंस सेपियन। तो हम होमो सेपियंस के अंदर ही सारे इंसानों को रखेंगे, चाहे वो कहीं का भी रहे, चाहे वो कोई आदिवासी भले ना रहे, बट है तो इंसान वो। इस बात को समझ के रखना अच्छे से। अगर कोई हाथी है तो हम उसको उस बेसिस पे उस कैटेगरी में रखेंगे, इवोल्यूशनरी बेसिस पे। तो दिस इज द ऑल अबाउट फाइलोजेनेटिक, मींस इवोल्यूशनरी बेसिस पे सारे चीजों का क्लासिफिकेशन करना। क्लियर हो गई बातें अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं, इस बात को ध्यान देना। अब हम थोड़ा सा बातें करेंगे, ये चीज जो यहां पे दिया हुआ है एग्जैक्टली ये क्या दिया हुआ है कि बैक्टीरिया, आर्चिया, यूकार्या, कॉमन एंसेस्टर, ये सब क्या है, मैं अभी आपको सब बताऊंगा, थोड़ा सबर करो। चलो हम सीखते हैं डोमेन ऑफ लाइफ। तुम्हारे बुक में पेज नंबर उसी सेम वाले में, फर्स्ट वाले में ही दिया हुआ है डोमेन ऑफ लाइफ। अब हम उसी डोमेन ऑफ लाइफ की बातें करने जा रहे हैं। अब देखो यार, जैसे कि हम क्लासिफाई करते हैं, तो तुमने क्लास 10th साइंस 2 चैप्टर नंबर 6 में एक चीज पढ़ी थी कि मेन किंगडम एनिमल एनिमेलिया था, देन उसके अंदर सब किंगडम कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट था। सब किंगडम कॉर्डेट के अंदर आपने देखा था कि फाइलम कॉर्डेटा आया था, पेज नंबर 63 ओपन कर लो साइंस 2 का, वो बहुत जरूरी है इसको समझने के लिए, इसलिए बार बार रिपीट करता हूं मैं क्लास 10th की बातों को, और लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ओरली इसको बताया जाएगा। ठीक है, तो कॉर्डेटा है, देन कॉर्डेटा के बाद तीन के तीनों हमारे यहां पर डिवीजन आते हैं, सेफेलोकॉर्डेटा, देन वर्टिब्रेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। वर्टिब्रेटा में 6 क्लासेस थी, मैमेलिया, साइक्लोस्टोमेटा, एब्स, पीसेस, है ना, पढ़ाई की नहीं पढ़ाई, यस, तो रेप्टिलिया, ये सब कुछ क्लासेस थी। और इसी तरीके से नॉन कॉर्डेट में 10 फाइलम थे, पॉरीफेरा, स्कलमिंथस, मॉलिस्का, प्लैटीहेलमिंथस, है ना, फिर इसके बाद ऑर्थ्रोपोडा है, ऐसे बहुत से, हेमिकॉर्डेटा, ऐसे बहुत से थे, 10 थे। तो उसी तरीके से वो तो एक किंगडम हो गया, तो ये एनिमल थे ना सारे के सारे, इन हमने सारे एनिमल को क्लासिफाई किया था ना। उसी तरीके से प्लांट भी होते हैं, उसी तरीके से वायरस बैक्टीरिया भी होता है। तो अब आप लोग यहां पे एक चीज समझ के रखना, आपको एक चीज सिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान देना अच्छे से, क्लियर रखना बातों को, थोड़ा लॉजिक लगाना अच्छे से। अब देखो बच्चा पार्टी, एग्जैक्टली बातों को समझ के लो, क्या क्या चीजें हैं यहां पे, सारी बातों को एकदम समझ के लेना अच्छे से, ध्यान दो।
देखो क्या होता है ना, नहीं तो एक काम करता हूं, मैं एक अलग से पेज ले लेता हूं इसमें समझाने के लिए, और फिर तुमको प्रॉपर तरीके से समझ जाएगा, ठीक है। ये लो, चलो अब यहां देखो, अब यहां सारे बच्चे ध्यान दो, लिसन केयरफुली। देखो यहां पे देखो, हमारी जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी है, हम इंसानों की बॉडी है, ये एक सेल से, सेल से बनी हुई है, और सेल के अंदर ये इस तरीके से हमारा न्यूक्लियस होता है, ये सब आपको मालूम है। अब मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूं, जो कि बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, जरा ध्यान से सुनना अच्छे से। इस दुनिया के अंदर जो सेल है, जरा लिसन केयरफुली थोड़ा सा, सेल पहली बात तो एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है बॉडी का, यूनिट ऑफ बॉडी, ये हमारा सेल होता है, इस चीज को ध्यान रखो अच्छे से। अब दूसरी बात, जो सेल है ये सेल दो टाइप का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। अब जरा यहां पे तुम सारे बच्चे फोकस करो, जो यहां पे हमारा यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक जो भी सेल है, ध्यान दो, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, प्लीज लिसन केयरफुली, जो हमारा यहां पे यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर एग्जैक्टली जो चीजें होती हैं, इनमें प्रॉपर सेल वॉल जो होती है वो डेवलप रहती है, या तो न्यूक्लियस इनमें डेवलप रहता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड। अब इसका मतलब क्या है, अगर किसी चीज में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जेनेटिक सिस्टम प्रॉपर होगा, उसके जीन्स प्रॉपर होंगे, उसका माइंड प्रॉपर होगा, बॉडी का स्ट्रक्चर प्रॉपर बनेगा, उसके कैरेक्टर प्रॉपर होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए होता है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर प्रॉपर रहेगा। अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं तो न्यूक्लियस जो होता है ये वेल डेवलप्ड नहीं होता, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। अब मैं आपको यहीं पर एक छोटी सी बात सिखाने जा रहा हूं, जो यूकैरियोटिक होते हैं ना, यूकैरियोटिक जो होते हैं, यूकैरियोटिक के अंदर हमेशा याद रखना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक के अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स? हम इंसानों की जो बॉडी है, जो हम इंसानों की पूरी बॉडी है, यह हम इंसानों की पूरी बॉडी मल्टी सेलुलर है, हम बहुत से सेल से बने हुए हैं। ये जो हमारी पूरी स्किन होती है ना, पूरी की पूरी हमारी जो स्किन होती है, ये पूरी स्किन हमारी मल्टी सेलुलर है, हमारी पूरी जो बॉडी है पूरी मल्टी सेलुलर है। और वायरस बैक्टीरिया एंड जो फंगाई भी होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम से होते हैं, माइक्रोब्स जिसे हम कहते हैं, आपने चैप्टर नंबर 7 साइंस 2 में पढ़ा है क्लास 10th में, तो जो माइक्रोब्स होते हैं वो सारे के सारे, वो सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब बैक्टीरिया वायरसेस हमारे किसके अंदर आते हैं, वो सब हमारे यहाँ पे एग्जैक्टली प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे गाइस नॉट वेल डेवलप्ड आएगा, नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, नॉट वेल डेवलप्ड इन द प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो ये सब प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं, यहाँ पे सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, सिर्फ यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर नहीं आ सकते। तो जितने भी वायरस बैक्टीरिया ये सब होते हैं ना, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, ये बात ध्यान देना, सब के सब प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, समझा मैं क्या बोल रहा हूं, सब के सब प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। और हम सारे इंसान, प्लांट, ये सब यूकैरियोटिक सेल से बनते हैं, हमारे अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, और हम सब के सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हम सब के सब कैसे होते हैं? हम सब के सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इस बात को ध्यान देना। दुनिया की सारी वायरस बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल, यूनिसेलुलर, नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, और दुनिया के सारे मल्टीसेलुलर लाइक एनिमल, प्लांट, वी आर द ह्यूमन बीइंग्स आल्सो, सब के सब। तो यूकैरियोटिक सेल हमारे अंदर आता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, जेनेटिक कैरेक्टर्स प्रॉपर होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम होते हैं। तो यही चीज हमें यहां पे देखना है कि तीन डोमेन है दुनिया में, ये किंगडम से भी बड़े डोमेन है। तुमने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय आरएच विटेकर तुमने पढ़ा है, जिसके अंदर तुम सारे लोगों ने देखा होगा किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम मोनेरा, 5 टाइप के किंगडम की क्लासिफिकेशन की स्टडी तुमने ऑलरेडी कर रखी है बच्चा पार्टी, 5 टाइप के किंगडम की स्टडी तुमने क्लासिफिकेशन कर रखी है। इन 5 टाइप ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन में यह भी छोटी कैटेगरी है। आपको पता है कैटेगरी वाइज बनाया गया है, जैसे कि देखो ना, अभी
हम इंडिया में रहते हैं, सबसे बड़ी कैटेगरी है, उससे भी बड़ी कैटेगरी तो अर्थ है। अर्थ, अर्थ एक बड़ी कैटेगरी है। अर्थ के बाद इंडिया, इंडिया के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का मुंबई में मैं रहता हूँ, मुंबई के ठाणे में मैं रहता हूँ, ठाणे के मैंने जिस स्कूल में पढ़ा है उस स्कूल के अंदर क्लास टेंथ में मैं था, क्लास टेंथ के अंदर डिवीजन ए बी सी डी में से मैं ए डिवीजन में था, डिवीजन ए के अंदर रोल नंबर मेरा 36 था तो रोल नंबर 36, समझ रहा है। और मैं बैक बेंचर और टॉपर कैटेगरी में आता हूं तो मैं उस कैटेगरी में था। कुछ बच्चे सिर्फ बैक बेंचर, कुछ बच्चे गर्ल्स हैं, कुछ बच्चे ना पढ़ने वाले हैं, कुछ बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं, उनमें भी कैटेगरियां होती हैं। तो वैसे सबसे टॉप कैटेगरी अर्थ है, तो वैसे सबसे टॉप कैटेगरी यहां पर गाइस डोमेन होता है। देन डोमेन के अंदर सब आते हैं, स्पेसीज, क्लासेस, डिवीजन, फाइलम और किंगडम, सब किंगडम, ये सब के सब हमारे किसके अंदर आते हैं, ये आगे पढ़ोगे डिटेल में, सब डिटेल में ऐसा धमाकेदार बताऊंगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूं बाद में, देखो ये देखो, देख लो लाइफ देन डोमेन, देख लो नीचे से पढ़ने का, लाइफ जिंदगी, वी आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, देन डोमेन, देन किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। हम कौन सी स्पेसीज हैं? वी आर होमो सेपियंस सेपियंस, दैट इज ह्यूमन बीइंग। समझा? ध्यान देना अच्छे से। ऐसे कितनी स्पेसीज होंगी दुनिया में? 7 मिलियन से ज्यादा तो सिर्फ एनिमल की है। ठीक है, तो लाइफ के अंदर डोमेन, हम उसी डोमेन की बात कर रहे हैं। अब समझ गई बातें दिमाग में, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा तो डोमेन को आगे हम पढ़ेंगे। काहे को टेंशन घेता, तुम्ही सगला कसाला टेंशन घेता रे बाबा, मी तुमच्या पाठीशी आहे, समजून घ्या ना। मला पण मराठी बोलायला येते असा काय नाही, मी पण खूप चांगली मराठी बोलू शकत सकते, हाँ मी पण खूप चांगली मराठी बोलू शकते आणि तुम्हाला सगळ्यांना पण येते। अरे माझी नवीन मराठी आहे ना, मी मराठी भाषेचे निर्माण करत आहे, ही नवीन नवीन मराठी आहे। सॉरी, मी पण शिकतो ना, शिकून 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 जाणार मी पण मराठी। ठीक, ओके, तो सिंपल बात। चला आता इकडे बघूया, तो द डोमेन, यहां पे देखो, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, देयर इज थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। ये सबसे बड़े डोमेन है जिंदगी के, लाइफ के तीन डोमेन है, बैक्टीरिया, आर्चिया एंड यूकारियोटा, जिसमें से जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर यहां पर ध्यान देख लो, हैविंग सेम सेल वॉल एज आर्चिया एंड डिफर फ्रॉम सेल वॉल। ठीक है, आर्चिया हैज बट डिफर फ्रॉम सेल वॉल। देखो अच्छे से, ध्यान देना अच्छे से, बैक्टीरिया के पास जो आर्चिया, यूकारियोटा, बैक्टीरिया, ये तीन चीजें होती हैं दुनिया में, ये तीन मेन डोमेन है। इसके अंदर हम भी एक में आते हैं, हम यूकारियोटा के अंदर आते हैं। सारे माइक्रोब, सारे बैक्टीरिया वगैरह जो हैं, ये सब बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। सारे आर्चिया, आगे जितने भी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म होते, सब आर्चिया में आते। ठीक, देखो, तो जो बैक्टीरिया होता है, इसके अंदर भी जो सेल होता है वो आर्चिया जैसे ही रहता है, लेकिन इसकी सेल वॉल डिफर करती है। सेल वॉल, सेल की जो बाहर की वॉल होती है, जिसे हमारे बॉडी में सेल मेम्ब्रेन होता है, हम ह्यूमन बींग की बॉडी में सेल वॉल नहीं होता, प्लांट की बॉडी में सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया की बॉडी में सेल वॉल होता है, हम ह्यूमन बींग की बॉडी में सेल वॉल नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या डिफरेंस है? सेल वॉल प्रॉपर ब्लॉकेज रखता है, अंदर से बाहर कोई चीज आ नहीं सकती। सेल मेम्ब्रेन में कोई भी चीजें अंदर से बाहर आ जा सकती है, ठीक है, बाहर से कोई चीज अंदर आ सकती है, बट सिलेक्टिव चीजें आती हैं, सारी चीजें अंदर नहीं आ सकती। जैसे कि ये सेल वॉल है, तो बाहर कुछ भी प्रेजेंट है ना, तो उसमें से कुछ चीजें अंदर आ सकती हैं, कुछ और नहीं आ सकती। ठीक है, तो हमारे में सेल मेम्ब्रेन होता है ह्यूमन बींग में, तो बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पे डिफर फ्रॉम सेल वॉल, ध्यान देना अच्छे से। बट आर्चिया हो चाहे बैक्टीरिया हो, दोनों के दोनों प्रोकैरियोटिक सेल से बनते हैं। ठीक, मतलब कि जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। मतलब बैक्टीरिया, वायरस कितने छोटे होते हैं ना, एक ही सेल से बनते हैं सबके सब, कितने छोटे रहते हैं, इस बात को एकदम समझ के रखना अच्छे से। ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, एक सिंगल सेल से ही बनते हैं, बोथ, दोनों के दोनों, दोनों में सेल सेम होता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जो सेल है उसकी सेल वॉल थोड़ी अलग होती है। आगे पढ़ेंगे कैसी सेल वॉल होती है। अब यहां देखो, अब आ जाओ आर्चिया के बारे में जानते हैं। तो किसी ने बोला बैक्टीरिया को डिफाइन करो, कैसे बताओगे? बैक्टीरिया हैज अ सेम सेल वॉल एज आर्चिया बट हैविंग डिफरेंट सेल वॉल। ठीक, दूसरी बात, बैक्टीरिया एंड आर्चिया बोथ हैव और बोथ आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। समझा जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, बोथ आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, इतना ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आर्चिया की बात करते हैं। Known for survival in very extreme condition, like temperature, salinity and all. जो आर्चिया होता है बहुत ही कितनी भी गंदे सिचुएशन में रह सकता है, कितना भी ज्यादा टेम्परेचर हो, कम टेम्परेचर हो, एरिया कैसा भी हो, एक्सट्रीम कंडीशन, कठिन से कठिन परिस्थिति में आर्चिया जिंदा रह सकता है, ध्यान देना।
आर्चिया के अंदर जितने भी एनिमल आएंगे, आर्चिया किसी एनिमल का नाम नहीं है, ना ही किसी ऑर्गेनिज्म का नाम है। आर्चिया एक डोमेन है जिसके अंदर करोड़ों एनिमल आते हैं। बैक्टीरिया एक डोमेन है जिसके अंदर करोड़ों माइक्रोब्स आते हैं। और यूकैरियोटा एक डोमेन है जिसके अंदर हम सब इंसान, ह्यूमन बीइंग, प्लांट सब आते हैं। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली सब यूकैरियोटा के अंदर आता है। ठीक है, तो हैविंग यूकैरियोटिक सेल, वी आर मेड अप फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल, यानी कि एक ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। इस बात को ध्यान देना अच्छे से। तो यूकैरियोटिक सेल, ध्यान रहे अच्छे से, यूकैरियोटा, वी आर यूकैरियोटा। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, वी आर अर्थियंस, एवेंजर देखा है, आई एम फ्रॉम एसगार्ड, आई एम फ्रॉम अर्थियंस, आई एम फ्रॉम यूकैरियोटा, आई एम यूकैरियोटियंस। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो अब आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं, डोमेन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दीज डोमेन्स आर गिवन बाय कार्ल वूस, कार्ल वूस नाम है एक इंसान का नाम है, कार्ल वूस, जिसने इन तीन डोमेन के बारे में बताया। दीज थ्री डोमेन्स आर आर्चिया, बैक्टीरिया, यूकैरियोटा, सेम तरीके से एग्जाम में लिख देना। दीज थ्री डोमेन्स आर लार्जर देन द किंगडम इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दीज थ्री डोमेन्स आर लार्जर देन द किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। यू कैन सी हियर, जस्ट देख लो अच्छे से, एक बार देख लो अच्छे से, लाइफ देन डोमेन देन किंगडम। ये पांच किंगडम का क्लासिफिकेशन तो डोमेन के बाद आता है, ऊपर से नीचे मत पढ़ो, नीचे से ऊपर पढ़ने का। ठीक है, ध्यान देना। तो इवोल्यूशन हो रहा है ना, इवोल्यूशन, ठीक है। तो लाइफ के बाद डोमेन, डोमेन से भी छोटा है किंगडम, डोमेन सबसे बड़ा है। देयर आर थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, आर्चिया, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा। बैक्टीरिया के अंदर छोटे माइक्रोब्स, आर्चिया के अंदर भी छोटे छोटे आते हैं, बट दे आर नॉट अ माइक्रोब्स, दे आर जस्ट ऑर्गेनिजम्स विच कैन सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कंडीशन। एंड देन थर्ड वन द यूकैरियोटा, विच इज मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल, दैट इज वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, दैट इज ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल एंड ऑल। ठीक है, तो डोमेन दुनिया के सबसे बड़े आते हैं, देन फाइलम, देन सब आते हैं। हम इस सबके बारे में डिटेल में अभी आगे की क्लास में जानेंगे। समझा गाइस? तो आज हमने यहां तक पढ़ लिया है। अब थोड़ा लेक्चर बंद करना चाहिए, जब से पटर पटर लगा हुआ हूं तो एनर्जी वेस्ट होती है, थोड़ी सी वेस्ट नहीं होती, एनर्जी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। वेस्ट कहां हो रही है, तुमको सिखा रहा हूं, मेरे लिए वो खुशी की बात है, मैं ज्ञान बांट रहा हूं। मेरी दादी जी कहा करती थी कि तू जितना ज्ञान बांटेगा अगले जन्म में तुझे उतना ही ज्ञान मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा लॉजिक है, तो मैं दादी की बातें भी मान रहा हूं कि अगर मैं इस जन्म में तुम लोग को बहुत ज्ञान दूंगा तो अगले जन्म में फिर मैं ज्ञानी इंसान बनूंगा। ठीक है, अच्छी बात है ना, लॉजिक अच्छा है। ठीक है, तो ऐसी बातें कोई नहीं, इस बात को थोड़ा ध्यान समझ के रखो। तो एग्जैक्टली जो चीजें हैं, नॉलेज बांट रहा हूं, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं मैं, ये इन्वेस्टमेंट है मेरा, एक लेक्चर बना दिया, जिंदगी भर देखेंगे, तुम्हारा बेटा भी देखेगा। मेरा भी देखेगा, लेकिन मेरा किधर है। ठीक है, समझा कि नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं छोटा इंसान हूँ यार, 20-21 साल का हूँ। ठीक है, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इन चीज़ों को थोड़ा दिमाग में अपने बिठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और चीज़ों को एकदम अपने माइंड में बिठा के रखो, चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, फाइन। और ये चैप्टर को एक बार रीडिंग पहले पेज की जरूर करना, देन हम कल आएंगे, और कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग की यहां से कीमो टैक्सोनॉमी, देन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी मींस रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर क्लासिफाइंग द एनिमल, एनिमल को क्लासिफाई करना, अलग अलग कैटेगरी बनाना, बनाने का एक रूल होता है, कैसे बनाओगे, वो रूल क्या है। तो कीमो टैक्सोनॉमी एक केमिकल वाला रूल, न्यूमेरिकल रूल, क्लैडोगामी, फाइलोजेनी, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, फिर डीएनए बारकोडिंग और देन टैक्सोनॉमी कैटेगरी, उसके बाद हम सीधा आएंगे यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन बहुत ही मजेदार होगा, तो कोई मिस आउट नहीं करेगा उस सेशन को। ठीक है गाइस, तो इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। तो मैं आप सबको बता दूं कि माय नेम इज प्रशांत, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, पीस आउट, बाय बाय।